नमस्कार आदाब, महाराष्ट्र 7 TV न्यूज में आपका स्वागत है। दहिसर मोरी ठाकुरपाड़ा एरिया में टोरेंट पावर के कर्मचारियों द्वारा बिना नोटिस दिए किसी भी तरह की सूचना न देकर ठाकुरपाड़ा के कुछ एरिया में बिजली को काट दिया गया, जिससे वहां की जनता में आक्रोश देखने को मिला। जब हमने पता लगाया तो स्थानीय लोगों का कहना था कि बिना नोटिस दिए हमारे घरों की बिजली को काट दिया गया और 5 से 6 घंटे बिजली न होने के कारण हम लोग परेशान रहे। कर्मचारियों से जब बात किया तो उनके द्वारा बताया गया बिजली का बॉक्स निकलने का कारण था कि लोग बॉक्स के जरिए बिजली चोरी करते थे। हमें ऊपर से आदेश है बॉक्स निकालकर वहां पर कुछ ऐसा तकनीकी व्यवस्था की जाए ताकि लोग बिजली चोरी ना कर सके। लेकिन सवाल इस बात का है, जिन लोगों की बिजली काटी गई उन सभी लोगों के घरों में टोरेंट पावर के मीटर लगे हुए थे, वह लोग अवैध रूप से बिजली उपयोग नहीं कर रहे थे, तो फिर उन लोगों की बिजली को क्यों काटा गया? पर स्थानीय लोगों का कहना था बॉक्स निकालने के बाद शॉर्ट सर्किट से या किसी भी तरह का हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कुछ महिला पदाधिकारी द्वारा क्या कहा गया, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। वर्षी मैडम, आज ये यहाँ पर टोरेंट वाले कुछ ने काम के लिए यहाँ पर मीटर काटे या क्या लाइन काटी है, क्या वजह है आज यहाँ पर आप लोगों का जमा होना और यहाँ लाइट नहीं, आज इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? टोरेंट वालों से पहले तो हमारा विरोध है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि टोरेंट वाले यहाँ पे मीटर आज 4 साल पहले लगा के जा चुके हैं और उनका कहना ये है कि यहाँ पे चोरी की लाइन चल रही है करके वो अंदर सील मार रहे हैं। हमारा बोलना यह है कि सील मारने के वजह से कल को अगर कुछ बड़ा ब्लास्ट होता है या कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी को आप तो अपना काम करके चले जा रहे हो। और इससे पहले भी 2-2 दिन यहाँ लाइट नहीं रहती है, जब हम इनको फोन करते हैं 2-2 दिन हमारा फोन नहीं उठाते 2 दिन के बाद। कल के अगर यहाँ पे कुछ बड़ा हादसा होता है तो कौन जिम्मेदारी लेता है ये चीज की? जैसा पहले था वैसे ही रखो। तुमको ऐसा है कि यहाँ चोरी हो रही है तो तुम उसके लिए कुछ अलग कार्रवाई करो, तुम तुम्हारे बंदे भेजो यहाँ पे, तुम दिन रात उसके ऊपर पहरा दो, हमको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मगर ये जो मीटर के अंदर आप सील लगा रहे हो इससे हमको खतरा है, हमारी जान को खतरा है, यहाँ पे आवाम को खतरा है, हमको ये चीज से ये चीज नहीं चाहिए। अच्छा, जो अभी लाइट काटा है उसका इन्होंने कोई नोटिस दिया है या कोई वर्क ऑर्डर? इनका यही काम है, ये हफ्ते में 3 बार 4 बार आते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं और ये अपना काम शुरू कर देते हैं। और सबसे पहली बात ये 13 गांव में नहीं जाते, 13 गांव में इनको कैसा है, इनका एंट्री ही नहीं है वहाँ पे। 50,000 बिल है, कितना बोलते हैं 20,000 बिल है, ये वहाँ पे नहीं जाते और वहाँ पे उनको कोई विरोध नहीं करते। और यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास लोग हैं तो आ जाके वो यहीं पे आके हमको ही सताते हैं बस। उनका कहना है कि ये सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, जो जॉइंट लगाया जा रहा है वो सेफ्टी के लिए लगाया जा रहा है, तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है? वो उनकी सेफ्टी के लिए वो बोल रहे हैं कि वो जॉइंट लगाने के वजह से यहाँ पे चोरी नहीं होगी, तो वो उनकी सेफ्टी है। चोरी के लिए तुम और कोई चीज करो, ये हमारी सेफ्टी का। कल से अगर ये आप सील पैक कर देते हो और घर में अगर कल आग लग जाती है, कोई ब्लास्ट हो जाए या वायरिंग में कुछ हो जाता है तो हम कहाँ से बंद करना चाहिए? नहीं, वो बोल रहे कि हम सेफ्टी दे रहे हैं। कैसी सेफ्टी दे रहे हैं? वो मुंह से ऐसा बोल के निकल जाएंगे। हमको राइटिंग में लिखत में वो दे दें कि 2,000 पब्लिक की सेफ्टी हम ये लगा करके दे रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी अभी उनसे उनके अधिकारियों से अभी हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला कल उनके बड़े जो अधिकारी आने वाले हैं वो आपसे बात करेंगे, जब आप लोगों को पक्का हो जाएगा क्या लगाना है तो वो जब ये लगाएंगे। अभी उनको जो लाइन काटी है उसको जोड़ने का दो, तो आप लोग जोड़ने के लिए अभी दे रहे हैं उन लोगों को। ये हमसे क्या रिक्वेस्ट करिए, जो हमने अभी जो काम हमारा चालू था उतना हमको काम करने दो, कल आके हमारे जो अधिकारी है वो आपके ऑफिस में बैठ के आपसे बात करेंगे। ठीक है, मैंने बोला जितना अभी ये काम किया है उतना आप चालू करो क्योंकि यहाँ लोगों की लाइट नहीं, इनकी लाइट आ जाए उसके बाद में कल वो आएंगे तो हम बैठ के उनसे बात करेंगे। और हमारा मुद्दा यही है कि ये 13 गांव में क्यों जाते नहीं है, हमारे यहाँ के हमको क्यों पता नहीं है, कहाँ मीटर भी नहीं लगाते हैं, लोग डायरेक्ट चला रहे हैं 5,000 2-2 बोलते 2,000 2,200 रुपया बिल, एक पंखा एक लाइट का 2,200 रुपया बिल बेचते, 3,000 रुपया बिल बेचते, तो यहाँ गरीब जंगल में आके क्यों बसा है बिल भरने के लिए इनका? कम यहाँ पे आके इतना कंजेस्टेड जिंदगी जी रहे तो क्यों जी रहे खाली भाड़ा भरने के लिए? लगभग कितने चालियों में कितने मीटर हैं और कितने घरों में लाइट अभी तक नहीं है? देखो कैसी बात है, अगर इनको इनका काम करना ही है ना तो आगे कितने जगह ऐसा है कि वहाँ मीटर लगा ही नहीं, तो इनको वो काम करना चाहिए कि वहाँ जाके मीटर लगाना चाहिए। जब इनको ऐसा है कि चोरी के तो ऊपर तो चोरी की लाइन चालू है ना, जो मीटर निकाल रहे हैं यही डिब्बा जब ये लोग 2 साल पहले लगाए थे तो इन्होंने क्या बोला था जब हमने सवाल किए थे कि डिब्बा ये क्यों लगा रहे हो, तो क्या बोले शॉर्ट सर्किट होने का डर है इसलिए हम डिब्बा लगा रहे हैं कि लोगों का सेफ्टी हो जाए, तो आज वही डिब्बा तुम निकाल करके लोगों को खतरे में डाल रहे हो।
सेफ्टी हटा रहे हो ना। हमारा बोलना यही है, तुमको हमारी इतनी फिक्र है ना, तुमको हमारी फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ ऐसा है कि यहाँ चोरी की लाइन यूज हो रही। तो चोरी तो ऊपर जब मीटर ही नहीं है तो सब इनलीगली यूज कर रहे, तो पहले वो तो लीगल करो, वहाँ पे जाके तो मीटराइज करो, उसके बाद में तुम चोरी की लाइन की पता लगाओ। मतलब इतने एरिया में मीटर लगा दिया तो इनको उंगली करते रहने का वही हिसाब। मतलब तेरा गाँव में जो भी लाइट यूज हो रही है वहाँ पर किसी भी तरह का मीटर तुरंत के नहीं है, जाते ही नहीं है। और ये ठाकुरपाड़ा में ऊपर साइड बिल्कुल मीटर नहीं लगे। लोग काम करके लाए हो वो भी हमको प्रूफ दिखाए कि तेरा गांव में हम जाते हैं और ये काम करते हैं। इनके पास कोई प्रूफ है कि वहाँ हमने ऐसा करके रखा है तो लाके ठाकुरपाड़े में आए दिन ठाकुरपाड़े। और ठाकुरपाड़े में भी ऊपर साइड में मीटर है ही नहीं।